भाई देख रहे हो इस लकड़हारे की कितनी सुंदर बीवी है। तू ठीक कह रहा है, चल इसके पास चलते हैं, मजे लेते हैं। और सुनाओ जानेमन, क्या हाल है तुम्हारे? चलती है क्या हमारे साथ महलों में? छोटे मालिक, आप ये किस तरह की बात कर रहे हैं? ये तुम्हारी भाभी है और भाभी तो माँ समान होती है। अच्छा तो तू सिखाएगा हमें कि भाभी क्या होती है? चला जा यहाँ से, नहीं तो तेरे एक गोली में काम खत्म कर दूंगा। लगता है तुम्हारी सिखा देना बड़े मालिक से कम नहीं पड़ेगी। अबे ओए गरीब फटीचर, लकड़ी काटने वाला, अगर तू हमारे घर तक पहुँचा भी ना, हम तेरी बीवी की ऐसी हालत करेंगे कि तू इसे पहचानने से भी इनकार कर देगा। सुनो जी, हम घर चलते हैं, हमारा बच्चा स्कूल से घर आ गया होगा। अच्छा तो तेरे पास एक बच्चा भी है, हमें भी बता दे किसका है वो। छोटे मालिक, अपनी हद में रह के बात करो वरना आपके साथ अच्छा नहीं होगा। ये ले पकड़। तो जानेमन तू सिखाएगी हमें किस तरह से बात करी जाती है? सुन, अगर मैं चाहूँ तो तेरे इस गरीब फटीचर आदमी को एक घंटे में गाँव से बाहर निकलवा सकता हूँ। भैया अब चलो, पिताजी घर आ गए होंगे। पता नहीं इन जालिमों को गांव से अत्याचार कब खत्म होगा। इस गांव में इनके खिलाफ आवाज उठाने वाला कोई नहीं है क्या? कुछ दिन पहले की बात है, एक किसान अपनी मजदूरी के पैसे इनके घर मांगने गया था। इन जालिमों ने उस किसान की ऐसी हालत कर दी। साले तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे पिताजी से पैसे मांगने की? छोटे मालिक, मैंने गलत क्या क्या दिया? मैं तो अपनी मेहनत के पैसे मांग रहा था। तुझे ये तो पता ही होगा इस गांव में हमारे सामने किसी की हिम्मत नहीं नजर उठाने की, और तू हमसे पैसे मांगने चला। छोटे मालिक, मैं पैसे नहीं मांगता तो फिर क्या करता? मेरे परिवार वाले क्या खाते? मेरे घर में एक टाइम का आटा भी नहीं है। तो कहीं से भीख मांग कर खा लेता। मालिक, मैंने काम आपके यहाँ पर किया है तो फिर मैं भीख क्यों मांगता? भैया ऐसे नहीं मानेगा, मारो इसे। भैया ये तो लगता है मर गया। छोटे इसको जल्दी से उठा यहाँ से, नहीं तो हम फंस जाएंगे। ये इतने जालिम लोग हैं, इन्होंने एक निर्दोष की जान ले ली। तुम देखना इनकी जिंदगी में एक दिन ऐसा आएगा जो इनकी जिंदगी में तहलका मचा देगा। चलो अब हम घर चलते हैं, हमारा बाबू घर आ गया होगा। अजी सुनते हो, मुझे तो लगता है आज हमारा बेटा स्कूल से नहीं आया है, पता नहीं कहाँ पे रह गया। तुम जल्दी से जाओ और उसे देख कर आओ। तुम घबराओ मत, वो कहीं ना बच्चों के साथ खेल में लग गया होगा, आ जाएगा। नहीं तुम अभी जाओ, मुझे तो डर सा लग रहा है कहीं कुछ गलत ना हो जाए। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम शांत रहो, मैं अभी देख कर आता हूँ।
कहाँ लगा दी तुमने इतनी देर? तुम्हें पता है मैं कितना डर रही थी। और कहाँ है मेरा बेटा बताओ? आरती, हमारा बेटा मुझे कहीं नहीं मिला। क्या, ये क्या बोल रहे हैं आप? आपने उसे ठीक से नहीं देखा होगा। मैंने उसे हर जगह देखा और मैं उसके स्कूल भी गया था। क्या कहा था उसके स्कूल में? वो बोल रहे थे तुम्हारा बेटा छुट्टी होते ही स्कूल से घर चला गया। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, पता नहीं मेरा बेटा किस हाल में होगा, उसने खाना खाया भी होगा या नहीं। तुम घबराओ मत, भगवान सब ठीक कर देंगे, तुम खाना खा लो चलो। नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगी जब तक मेरा बेटा मिल नहीं जाता। जाओ, तुम जल्दी से जाओ और मेरे बेटे को ढूंढ कर लेकर आओ। देख, तेरा बेटा हमने किडनैप कर लिया है। अगर तूने हमको 5 लाख रुपए नहीं दिए शाम तक, तो हम तेरे बेटे को मार देंगे। हे भगवान! क्या हुआ? तुम रुक जाओ, क्या हुआ? आपको पता है हमारे बेटे को किसी ने किडनैप कर लिया है। क्या? ये देखिए, अब हम इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे, वो भी शाम तक। पता नहीं क्या होगा। हमने किसी का क्या बिगाड़ा था जो उसने हमारे साथ इतना बड़ा खेल खेल दिया। तुम चिंता मत करो, मैं जमींदार के पास जाता हूँ, शायद वो हमारी मदद कर दे। ये लो छोटे मालिक, मेरे बेटे को किसी ने किडनैप कर लिया है और उन्होंने मुझसे 5 लाख रुपए मांगे हैं। तो मैं क्या करूँ? मालिक, मुझे पैसे दे दो, चाहे ना तुम मेरी सारी जमीन गिरवी रख लो। देख, तेरी जमीन का हम क्या करेंगे, रखना है तो और कुछ रख जिससे हमारा मन भी शांत हो जाए। मालिक, मेरे पास जमीन के अलावा और कुछ नहीं है रखने के लिए। देख, तेरे पास एक चमकता हीरा है। मालिक, मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हो? देख, मैं समझाता हूँ तुझे। तो तेरे पास तेरी खूबसूरत बीवी है ना, उसे हमारे पास एक रात के लिए भेज दे और तू पैसे ले जा। मालिक, ये आप क्या कह रहे हैं, हमारी गरीबी का इतना मजाक मत बनाइए। देख ले, ऑफर है तेरे पास। मालिक, हम गरीब बेशक हैं, मगर ऐसा नीच काम नहीं करते। भैया, अब ये ऐसे नहीं मानेगा, हमें क्या करना चाहिए? छोटे, इसके बेटे को खत्म कर दो। ठीक है भैया। क्या हुआ, क्या कहा था जमींदार ने? जमींदार बोल रहा था, तो ठीक है, मैं उस जमींदार के पास जाने के लिए तैयार हूँ। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। कल ये जालिम लोग और भी अत्याचार करेंगे, हम अपने बच्चे के खातिर किसी औरत पर अत्याचार नहीं होने देंगे। कमल भी, आपको बेटा किसी ने मार दिया, वो रोड पे पड़ा है। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या हुआ, क्या हुआ? उठो, उठो जल्दी। राघव, राघव, बेटा बोल, बेटा बेटा बोल, बेटा
मत लगा बेटा, आगे बोलना। अरे क्या हुआ आपको? अरे बोलिए ना आपको क्या हुआ? क्या हुआ आपको बोलिए ना। भाभी जी ये तो मर चुके हैं। नहीं हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया? तूने तो मेरा सब कुछ ही छीन लिया। अब मैं कहाँ जाऊंगी और किसके सहारे रहूंगी? मेरा बेटा मरा नहीं है, वो जरूर आएगा। वो कॉलेज गया है, आज मैं उसके लिए खीर बनाकर खिलाऊंगी। अरे आज तो मेरी शादी है और मेरी शादी में तो बहुत सारे बराती आएंगे, फिर तो वो मुझे अपने साथ लेकर जाएंगे। ए भाई कल ना, नहीं आज ना मेरी शादी है, तुम शादी में जरूर आना है ना। अरे यार ये पागल कहाँ से आ गई, भगाओ उसे। अरे यार ऐसा मत बोलिए, पागल नहीं है, इसके बच्चे और पति की मौत ने इसे पागल बना दिया। ये औरत दुखों की सताई हुई है। सॉरी यार गलती हो गई। देखो मेरा बेटा आ गया। अरे बेटी ये तेरी हालत कैसे हो गई? बाबूजी इन जालिमों ने मेरा सब कुछ छीन लिया, कल ना मेरी शादी है, तुम भी जरूर आना। अरे बेटी तू ये कैसी बात कर रही है, लगता है इसके दिमाग में ज्यादा तगड़ा सदमा पहुंचा है। मैं ऐसा करता हूँ इसे किसी डॉक्टर के पास ले जाता हूँ, शायद ये सही हो जाए। बेटी तू मेरे साथ चल। नहीं नहीं मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी, मेरा बेटा स्कूल से पढ़ के आ रहा होगा, मैं उसको लेके जाऊंगी, तब आप मुझे अपने साथ ले चलना। बेटी तू चल मेरे साथ। अरे नहीं छोड़ो मुझे, कल मेरी शादी है, छोड़ो मेरी बारात आएगी, छोड़ो ना मुझे। अरे मैं कहाँ हूँ और यहाँ मुझे कौन लेकर आया? बेटी तुझे यहाँ मैं लेकर आया हूँ, तेरे दिमाग की हालत ज्यादा खराब हो चुकी थी। बाबूजी मेरा सब कुछ छिन गया, उन जालिमों ने मेरे बेटे को मार दिया और उसी की वजह से मेरे पति की भी मौत हो गई। बेटी तू चिंता मत कर, उनके कर्मों की सजा भगवान उन्हें जरूर देगा। बेटी तू रो मत, अब तू मेरे साथ चल। नहीं बाबूजी मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी, मैं अपने बेटे के हथियारों से बदला लेकर जरूर रहूंगी। बेटी तू पूरी तरह से ठीक नहीं है, पहले पूरी तरह से ठीक हो जा, फिर उन जालिमों से बदला ले लेना। चल तू मेरे साथ। अबे बुड्ढे मन्ना है क्या, दिखाई नहीं दे रहा, बीच रोड पर साइकिल चला रहा है। मालिक गलती हो गई, फिर कभी आपके सामने नहीं आऊंगा, मुझे माफ कर दो। बाबूजी आप इन लोगों से माफी क्यों मांग रहे हैं, जब हमने कोई गलती की ही नहीं है तो। भैया ये तो वही लकड़हारे की बीवी है जो अपनी बेटी की मौत को देख कर मर गया था। छोटे ये अब भी कितनी खूबसूरत है, जी करता है इसे अपनी रखेल बना लूं। ओए जमींदार अपनी हद में रह के बात कर, वरना अच्छा नहीं होगा तेरे साथ। अच्छा तो तू सिखाएगी हमें कैसे बात करनी है? छोटे पकड़ साली को खींच कर ले चलते हैं। मालिक इसे छोड़ दो, इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। अबे चल बुड्ढे, तुझे पता है हम कितने दिनों से इसकी तलाश में थे। मालिक छोड़ दो इस लड़की को वरना अच्छा नहीं होगा। भैया इस बुड्ढे का क्या करें हम? बाबू
मार दो साले बुड्ढे को। सुन छमिया, हमने तेरे चक्कर में क्या से क्या कर दिया, फिर भी हमारे हाथ नहीं लगी। तू सुनना चाहती है, तेरे बेटे को किसने मारा? हमने तेरे बेटे को तेरे चक्कर में किडनैप किया था ताकि तू हमारे पास आ जाए, और तू फिर भी नहीं आई। फिर हमने तेरे बेटे को मार दिया। अगर उस दिन तेरा पति हमारी बात मान जाता तो तेरे पास तेरा पति भी होता और तेरा बेटा भी। अरे जालिमो, क्या बिगाड़ा था हमने तुम्हारा जो तुमने उस मासूम बच्चे की जान ले ली? बिगाड़ा तो तेरी खूबसूरती ने था। जब मैंने तुझे पहली बार देखा था तू मेरे दिल में बस गई, फिर तेरी खूबसूरती देखकर मुझ पर रुका नहीं गया। अरे कमीनो, तुम्हें तो भगवान नरक में भी जगह नहीं देगा। भैया अब ज्यादा टाइम मत लगाओ। नहीं तुम मेरे साथ ऐसा मत करो, प्लीज प्लीज मुझे जाने दो प्लीज। छोटे ये ऐसे नहीं मानेगी, कर दे इसका भी काम खत्म। सीधी तरह ऐसा मान जा नहीं तो तेरी खोपड़ी उड़ा दूंगा। नहीं मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी, चाहे मेरी जानी क्यों ना चली जाए। छोटे मार दे उसको, ज्यादा टाइम मत लगा। सीधे तरीके से खड़े रहो वरना यहीं तुम दोनों की खोपड़ी उड़ा दूंगी। अरे लड़की पागल हो गई क्या, इसमें गोलियां चल जाएगी। अब तुम दोनों का टाइम पूरा हो चुका है। कुत्तो तुम्हें जरा सा भी तरस नहीं आया? तुमने मेरे 5 साल के बच्चे को मार डाला, वो भी अपनी जरा सी गंदी हरकत के लिए। देखो हमें माफ कर दो, हमसे चाहे बदले में कुछ भी ले लो। दे सकता है तो दे, मेरे बेटे को लेकर आ जिसे तुम दोनों ने मार दिया था। मेरे पति को वापस दे सकता है जिनकी मौत तुम लोगों की वजह से हुई थी। बहन वो तो हम तुम्हें नहीं लाकर दे सकते। अपनी इस गंदी जवान से मुझे बहन मत बोल, क्योंकि तू किसी भी बहन का भाई बनने के लायक नहीं है। कमीनो तुमने मुझे हथियार उठाने पर मजबूर कर दिया, अब मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। नहीं अब मेरे पति की और बेटे की आत्मा को शांति मिलेगी।